हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पंजाबी मसालेदार रसोई। आज हम बनाएंगे फ्राइड राइस। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं एंड हेल्दी होते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वेजीज होती हैं। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो होंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, रफली चॉप्ड जिंजर, कैप्सिकम रफली चॉप्ड। मैंने यहाँ पर ग्रीन ली है, आप चाहें तो रेड या फिर येलो भी ले सकते हैं। 1 छोटी कटोरी मटर, 1 रफली चॉप्ड ग्रीन चिली, 1/2 कैबेज रफली चॉप्ड, 1 कैरेट रफली चॉप्ड, बीन्स, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, सोया चंक्स, चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, 1 अनियन रफली चॉप्ड, रिफाइंड ऑयल, बॉइल्ड राइस, सोया सॉस। तो सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई और उसमें हम डालेंगे अपना रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल को डालने के बाद हम इसे थोड़ा ज़्यादा गर्म होने देंगे और फिर ही हम इसमें सब्जियाँ डालेंगे। सबसे पहले हम जो सब्जी डालेंगे वो है जिंजर। जिंजर को डालने के बाद हम इसमें डालेंगे अपने प्याज और हमें सब्जियों को ज़्यादा गलाना नहीं है, थोड़ा सा क्रंची रखना है। क्रंची रखने से इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। और फिर उसके बाद हम अपने प्याज और जिंजर को एक साथ थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे और जब ये सॉटे हो जाए तो हम इसमें डालेंगे अपने सोया चंक्स। सोया चंक्स बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं तो आप इसे पक्का डालिएगा। इसके बाद हम एक एक करके अपनी सब्जियाँ डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे कैरेट। कैरेट को डालने के बाद हम इसमें डालेंगे कैप्सिकम। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मैंने इधर ग्रीन यूज़ किया, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। कैप्सिकम को डालने के बाद हम इसमें डालेंगे अपने मटर और मटर के बाद हम इसमें डालेंगे अपनी ग्रीन चिलीज। ग्रीन चिलीज के बाद हम अपनी बीन्स को भी इसमें डाल लेंगे और उसके बाद हम लास्ट में डालेंगे कैबेज। उसके बाद हम ऊपर से स्वाद अनुसार डालेंगे नमक और फिर उसके बाद हम डालेंगे 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। इसके बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए इसका कलर कितना सही और कितना अच्छा आया है। जब आपकी सब्जियां पार्टली या फिर हाफ कुक हो जाएं, तो आप ऊपर से डालिएगा अपना गरम मसाला 1 टेबलस्पून। उसके बाद आप इसमें अपने बॉइल्ड राइस को ऐड करना शुरू कर दीजिए। बॉइल्ड राइस को ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने इधर और देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। जब आपकी राइस अच्छी तरह से कुक हो जाए फिर आप उसमें ऊपर से डालें 1 स्पून सोया सॉस और उसके बाद ऐड करें कोरिएंडर लीव्स। कोरिएंडर लीव्स को मैंने यहाँ पे चॉप कर लिया है। मेरी राइस तैयार है तो अब हम इसमें प्लेटिंग करेंगे। तो देखिए मैंने प्लेटिंग भी कर लिया और ये कितने टेस्टी लग रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड क्लिक द bell icon so that you get notified every time I upload a new video on YouTube. Bye bye. For more such recipes, subscribe Punjabi Masaledar Rasoi.